वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, हम बात करें अस्थमा के हवाले से। और जो वीडियो आपसे मैं जानना चाहूंगी, अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी डाइट होती है जो अस्थमा के पेशेंट्स को कहा जाता है कि बिना जिसमें चावल वगैरह हो गए, क्या ऐसा है? अरे जरा मैं सवाल करूँ। असल में आप ये देखें कि वाकई में कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जैसे दही हो गई, केला, सेब या इस तरह की, नहीं सेब नहीं, केला या उसके अलावा चावल है, वो बिल्कुल इसको एलिवेट लेवल करते हैं। पर थिंग्स आर लाइक दिस कि जो ज़्यादा वो फूड्स हैं जो कि हाईली आप कह लें स्वीटेंड हैं या हाईली मतलब ऑक्सीडाइज जूसेस की बात की जाए, वो भी कॉज सब करते हैं। क्योंकि अगर पुराने रेंसिड जो गले सरे फल सब्जियां या उसके अलावा उनको बना लिया जाता है या फ्रूट जूस आपको मतलब पेश किया जाता है या वो उसको ठंडा या गर्म करके किसी तरह भी दिया जाता है तो वो भी इसका इसकी भी कॉज करता है बिल्कुल। और उसके अलावा आप ये देखें कि जब भी आप फूड का एक मुकम्मल मुकर्रा वक्त से ऊपर मतलब उसका जब वो उसका फ्लेवर कलर और मतलब टाइम और उसकी रेसिडिटी उसमें स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है कि उस तब भी आपका जो है डी नेचर्ड फूड भी जो है वो भी एस्थमेटिक पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक हो गया डॉक्टर इरफान, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस हवाले से? जी, द कॉमन मिथ यानी जो हमारे गलत ख्याल है हमारे मुताबिक एस्थमा में कि डॉक्टर साहब दूध चावल केला और दही एक मैं नहीं खा सकते। फॉर्चुनेटली ये है कि देर इज़ नो एविडेंस अप टिल नाउ, मैं कमेंट करूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हम लाहौर में रहते हैं तो लाहौर में खालिस चीज़ क्या है इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो दूध में दूध के अलावा सब चीज़ें इसी तरह हैं, तो आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो फिर आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर तो आपको ऐसा होता है तो फिर आप इसको फूड से रिलेट करें। अगर आपने उसी दिन जिस दिन आपने डाइट खाई है आपकी ये अलामत खांसी, सांस में सीटियों के आवाज़ का आना, सांस का फूलना या सांस में तंगी भर जाता है उसी दिन तक रख रहा हूँ मैं, तो फिर इसका ताल्लुक डाइट से। लेकिन देखिए एक चीज़ हमें जेहन में रखें कि हम जो चीज़ ले रहे हैं उसकी प्योरीफिकेशन का हमें आइडिया नहीं। अगर हम राइस ले रहे हैं, राइस में केमिकल प्रोसेसिंग भी होती है तो वो हमें नहीं पता कि वो किस लेवल की हो रही है। और अगर हम योगर्ट ले रहे हैं अगर वो खट्टा है तो फिर तो डेफिनेटिवली, क्योंकि योगर्ट को हम खट्टा कर रहे हैं बैक्टीरिया से, ये जेहन में रखें, तो वो एग्रीवेट कर सकता है। लेकिन क्लियर कट एविडेंस अगर आप ये समझते हैं कि यू आर लिविंग इन अ कंट्री जहाँ पर चीज़ें प्योर हैं, इनका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि एग्रीवेट करेंगे। जी राइस हम खाते हैं, राइस खाने के बाद हमने पेट फुल किया और खाने के साथ ही लेट जाते हैं तो फिर हमें बाजू का ऐसा होता है कि स्टमिक अपसेट होता है जिसकी एक अलामत खांसी का होना होती है। तो ये बड़ा एक अजीब कंसेप्ट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है और हमारी एक स्टडी चल रही है जनरल हॉस्पिटल में विच इज़ नियर टू मेच्योर, जिसमें अभी तक ये प्रूवन नहीं है कि ये चीज़ें एग्रीवेट करती हैं कि लोग अपने आप को इन एसेंशियल डाइट से महरूम कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। और कुछ अभी तक कॉन्सेप्ट भी नहीं किया तो उसके बावजूद जी कुछ चलती आ रही है मैच तो उसके जी इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब अब हम तो ये होता है कि जब हमारे जनरल में एडमिट हो जाता है तो फिर तो हम खिलाते हैं जैसे हम बात करते हैं ना कि विटिलाइगो या कुछ इस तरह की और वो उस दूध मछली वाला कॉन्सेप्ट, जब वो बेचारा कोई डॉक्टर आता है ना मैं उससे सवाल करती हूँ वो फौरन से कहता है कि बीबी ये काम नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा जनाब सीरत हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे सीरत यासे? मैं ना डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ, मेरे बच्चा साहिल उसकी एज 5 साल है। ठीक है, तो वो ना उसको मैंने एंटीबायोटिक्स तो दिए हैं लेकिन कोई कहता है कि ये जो है ना इसको सांस का मसला है, कोई कहता है नहीं, लेकिन इसकी हालत अक्सर छींके मारना शुरू हो जाता है, इसकी आंखें सूज जाती हैं, सांस फूलना शुरू हो जाता है और ये ना अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं वहां से आए हैं तो ये बहुत ज्यादा ना मतलब की तबीयत इसकी बहुत ज्यादा खराब होती रहती है। अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, सीरत आप प्लीज जवाब दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सीरत मुझे ये बताएं कि ये बच्चे को अलामत कब से हो रही है ये वाली? ये जब 3 साल का था ना तब से हो रही है, छोटा था तब तो नहीं था पता चलता, तो कहते थे कि बच्चा बीमार हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, और बीच में कभी ऐसा मौसम भी या ऐसा भी टाइम आया जब ये बिल्कुल ठीक हो जाता है इन टाइम में? ये गर्मियों में थोड़ा ठीक रहता है, गर्मियों में एक बार बीमार होता है, लेकिन जब ये सर्दियाँ शुरू होती है ना तो ये इसका ऑलरेडी यही काम होता है, कभी ठीक नहीं हुआ। और अलामत जो शुरुआत है वो इसी तरह होती है कि पहले नज़दा जुकाम होता है फिर सांस खराब हो जाती है। ठीक हो गया सीरत, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अभी आपका जवाब लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये है इसको कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस एस्थमा ARIA, ये ऐसा एस्थमा है जिसका स्टार्ट अपर एयरवे से होता है। ठीक है, तो इसको दोनों चीज़ों में इसको मैनेज किया जाता है। अपर एयरवे के लिए बच्चे को कुछ नेजल ड्रॉप दिए जाते हैं, फिर वो जो मोंटी लुकास एक स्टैंडर्ड मेडिसिन है वो दी जाती है। अगर लोअर एयरवे के सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो उसमें हम इनहेलर /DPI जो भी हम ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर देते हैं और बच्चा कंट्रोल होता है। ये जो टिपिकल अलामत बता रही है कि छींकें आना शुरू होती हैं और जो आँखें सूज जाती है, इसका मतलब है कोई ट्रिगर मिलता है ऐसा
जो उसमें ये सारी सिम्टम्स देता है, तो कोई जी कोई ट्रिगर आपने घर में ढूंढना, डेट कुड बी कारपेट इन घर में हो सकता है, कोई पेट्स हो सकते हैं, और कोई अगर फैक्ट्री एरिया तो कोई ऐसा चीज है कि जो आपको उसको बच्चे को देखनी है जिससे वो एक्सपोज हो रहा है, जिससे बार बार ये अलामत हो गया। डॉक्टर साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें ये है कि जब भी ऐसा मरीज आए आप उससे जरूर पूछें, जैसे इरफान ने मेंशन किया कि कोई नई चेंज तो नहीं आई आपके, आपने कारपेट्स डाले, आपने नए पर्दे ला के घर में डाले हैं, आपने पेंट कराया है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अस्थमा के पेशेंट में राइनाइटिस को और फिर अस्थमा को प्रेसिपिटेट करती हैं। ऐसे ही एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गर्ड होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, वो आते हैं वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब हमारा मैदा ख़राब है, हमारा खाना ऊपर आता है, रात को तेजाबियत ऊपर आती है। ऐसे पेशेंट्स में भी अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब वो एसिड कॉन्स्टेंटली उनकी सांस की नालियों में गिरता है तो उससे दमे के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका मैदा अपसेट रहता है और आपको खांसी या सांस में तकलीफ हो रही है तो आप ज़रूर जाके डॉक्टर को दिखाइए ताकि आपकी तशखीस हो सके। देखें हमने सारी बातें की, आई थिंक जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और हम सबको समझनी है और हमारे आवाम को भी समझनी है, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब दे टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक कार्डिक सर्जन सर्जरी करने के बाद मरीज को ये नहीं कहता अब आप 20 साल जिंदा रहेंगे, वो आपको ये कहता है कि अगर आप 10 मिनट भी जिंदा रहेंगे तो आप डिपेंडेबल नहीं होंगे, आप वॉक करके वॉशरूम खुद जाएंगे। तो हमें अस्थमा के पेशेंट में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है, और वो प्रिवेंशन से और ट्रीटमेंट से ही पॉसिबल है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे देखने वालों को दी। जनाब अस्थमा के हवाले से जो भी मिथ्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको क्लियर करने की और आपको जितना मैक्सिमम हेल्प कर सके अपनी डिस्कशन के थ्रू हमने कोशिश की, और आपकी कॉलर्स जो भी आए उनको उम्मीद करते हैं कि जवाब मिल गए होंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, और जो हम प्लांटेशन के हवाले से हमारे पास PHA के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।